यार समझ उन्हें नहीं रहे आने यार आकर, सही मैं में। समझ गया सर आप जो बोल रहे अच्छा हैं, अगली बार भी ये अगर वो नॉर्मल एग्जाम थे तो फिर उनके पेशाब मुबारक में खुशबू और ये सुगंध कहाँ से आती थी? कैसे आई? नॉर्मल इंसान थे तो सर और वो ठीक है जन्नत उस जन्नत जन्नत में मिलने वाला जो जूस है वो कहा जा रहा है यहाँ पर उसको, आप सर समझ एक गए? बात बोलूँ, मैं एक बात बोलूँ, साइंटिफिकली जो प्रूव हुआ है, जो भी इंसान क्या बोलते हैं, जैसे अभी बैठ के ये करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ओके, अच्छा या योगा करते हैं, वो अगर सालों से ऐसे करते आए हैं ना, उनके बॉडी के जो ये होता है ना, उसमें चेंजेस आती है, ओके, मतलब क्या क्या खुशबू आती है उनके पेशाब मुबारक हाँ में? सर, अगर ज्यादा वो इंसान मेडिटेशन में ज्यादा ये रहा या प्रेयर करता रहा, या इबादत में एक ही जगह पे ध्यान करता रहा ना, तो उसके बॉडी में चेंजेस देखी गई है, साइंटिफिकली प्रूव है, और बहुत सारे लोग इसी इसी रिलीजन में नहीं, दूसरे रिलीजन में भी नोट किया है कि इस बंदे के कपड़ों से अलग स्मेल आती थी, जो चलो नॉर्मल ठीक है, ह्यूमन मैं बीइंग आपके के पसीने से नहीं आती है, लेकिन इस बंदे से, और आप भी अगर डेली मेडिटेशन करोगे या इबादत या प्रेयर करोगे, तो ये आपके इसमें भी आएगी, तो इस मुझे लगता है वजह आई थिंक फिर स्पेशल पर्सन थे जी। देखो लगता है वो जो बाबा है ना, क्या नाम है उसका, नाम पतंजलि वाला, जी क्या नाम है यार उनका, रामदेव बाबा, रामदेव, ओके बाबा okay. रामदेव उनके जी, भी पेशाब उनके मुबारक में बगल खुशबू बगल आती सूंघ है के देखो, बगल सूंघ के देखो बाबा अगर वो मेडिटेशन करता है तो जरूर भाई उसमें भी चेंजेस होगी आप सर, देखो सूंघ बिल्कुल के इन लॉजिक बात कर रहे हो। देखो जो ह्यूमन यूरिया होता बाबा है उसके अंदर ठीक है सबसे सर ज्यादा क्या आप कंसिस्ट करता है? अमोनिया होता है। आपने सर, अमोनिया सूंघा है कभी? हाँ सर अच्छा नहीं, लेकिन ये सुना, जो अच्छा हाँ रिसर्च की अच्छा बात कर सर रहे हैं आप, ना आप, आपको ये पता है, आपको रिसर्च ये की बात पता है कर रहे हैं, रिसर्च की बात, रिसर्च एक कि मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, जी ये जो रिसर्च की बात बोले ना आप, सर मुझे उसका रेफरेंस दे दो आप, मैं आपकी बात मान लूंगा कि उनके बॉडी से अलग ही खुशबू आनी चालू होती है योगा और मेडिटेशन करने पर। यार जिन्होंने योगा मेडिटेशन निकाला उनका क्लेम नहीं है ये अभी तक। आप बता रहे हो कि भाई उससे ये बॉडी से खुशबू आना चालू होता है, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो यार अरे हिंदू लोग नहीं बोलते यार ये बात आप बोल रहे हो, सर आप ऐसा जिन्होंने योगा साइंटिफिकली मेडिटेशन का ये किया है। सर, मैं स्पेशली योगा ही शाहिद नहीं बोल रहा भाई हूँ, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान करने हाँ की या मेडिटेशन इबादत भी, करने वही मैं की, बोल रहा हूँ, जिन्होंने ध्यान मेडिटेशन को करने से इंट्रोड्यूस मजबूती कराया है आती है। वाह सर, जिन्होंने मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस कराया है उनका ये क्लेम नहीं है कि आप ये करोगे तो आपके बॉडी से बदबू आना बंद हो जाएगी। सालों से आप किया तो क्लेम, आएगा सर, अरे क्लेम करने के लिए आप साइंटिफिक किसी आपने के अभी क्लेम बोला करने है से कि कोई, ये साइंटिफिक आपका किसने जो कहा क्लेम है ये? ना, आपका ये क्लेम है ना जो आप बता रहे हो साइंटिफिक रिसर्च, वो हमारे मुंह पे मार दे तो हम मतलब चुप बैठ जाए ये बात पर। और मोहम्मद साहब कभी ये भी बता सर देना कि मोहम्मद साहब कहाँ पर मतलब किधर कितना मेडिटेशन करते थे बचपन से और कितना योगा करते थे, वो भी बता नहीं, देना बस। वो वो सवाल नहीं नहीं, नहीं वो पहले ये तो मैं मालूम बता पड़ता रहा है हूँ वो कि सिर्फ कहाँ कारे से हीरा में पढ़ा जाके इन्होंने, किए कहाँ थे। हाँ वो बताओ पहला कहाँ से पढ़े आपने? से पढ़े? हाँ ये बताओ, हाँ क्या बिल्कुल 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 ये क्या क्या बताना क्या क्या पड़ेगा इनको। अरे क्या थोड़ा बहुत साइंस यार हमको भी पता है, हमने भी पढ़ा है मेडिटेशन योगा क्या है सर, ऐसा मुंह पे सरासर डिफेंड करने के लिए झूठ ना बोले। सर वही गूगल कर रहे हो ना आप, पता लगेगा। नहीं ये पूछ रहे कि आपने पढ़ाई क्या करी है। कौन मैं सर? अरे तुम मुझसे थोड़ी ना पूछ रहे, आपसे ही पूछ रहे भाई। अच्छा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मैंने इंजीनियरिंग की है। अच्छा भाई हमें नहीं पता कि आपने कौन सी इंजीनियरिंग करी है। वाकई हाँ जी, शाहिद भाई वाकई में आप इंजीनियरिंग की है? हाँ जी यार क्या होगा यार इस देश का क्या होगा? सर बिजी सर। देखिए हम सब स्कूल में केमिकल लैब में जा चुके हैं, ठीक है। केमिकल लैब के अंदर हम लोग अमोनिया से जब टेस्ट करते हैं तो अमोनिया की स्मेल आदमी को 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होती है, और ह्यूमन यूरिया अमोनिया की तरह स्मेल करता है। सारी साइंस प्रूफ कर चुकी है, आप कह रहे खुशबू आती है। खुशबू मैंने नहीं बोला, मैंने चेंजेस बोला है सर, आप वही तो है ना मिस इंटरप्रेट, मतलब अलग ही उसको अच्छा आपने डिनोट अभी करते हैं। बोला कि हाँ अगर आप मेडिटेशन हाँ करोगे तो वो ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपने नहीं बोला ये?
हो जाएगा, थोड़ा सा तो डिफरेंस आ जाएगा एक नॉर्मल क्या पर्सन में क्या हो और जो जाएगा करने वाले डिफरेंस के इन द पास। सेंस ऑफ स्मेल? डिफरेंस मतलब स्मेल भी हो या तो अभी इम्प्योरिटीज अबे निकलना हो उसमें अरे से, अभी कम आपने बोला इम्प्योरिटीज स्मेल का, निकलेंगी। मैंने नहीं बोला, अब आप कह रहे हाँ हो सर, स्मेल बदल स्मेल जाएगी? भी चेंजेस, सर स्मेल भी चेंज हो जाएगा, इम्प्योरिटीज भी आना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी पास कोई ऐसा इटसेल्फ। डेटा है आप जो अपने क्लेम को हाँ प्रूफ सर, कर रहे गूगल हो? कर लीजिए सर, मैंने पढ़ा है इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए अरे ना रे रे, सर मैंने गूगल कि सही किया कोई है, उसमें साइंटिस्ट होगा लिखा है भाई। कि ह्यूमन यूरिया अमोनिया सर एक्समेल करता है। भाई सुनो हाँ वो तो मेरी करता है, बात सुनो वो तो करता है सर। मेरी, शाहिद भाई मेरी बात सुनो, जब जब आप एक देख लो, कोई बच्चा जब बिस्तर में पेशाब कर देता है तो जब वो पेशाब करता है इमीडिएटली उतनी स्मेल नहीं आती है, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है, वो उसका प्रोसेसिंग होता है जो उसमें अमोनिया या जो भी कंटेंट होता है, उसके बाद उसमें स्मेल इतनी यानी उसकी इंटेंसिटी होती है कि फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। सिमिलरली अगर किसी जगह पे आप पेशाब करते हो बाहर किधर, और उस पे अगर आप वॉश वॉश नहीं करते हो, पानी नहीं डालते हो, तो जब आप पेशाब कर रहे हो तभी उतनी स्मेल नहीं आएगी वो जगह पे, लेकिन वही आप उसको एक 10 मिनट या आधे या 1 घंटे के बाद वो जगह पे जाओगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। यार ये इंजीनियर रह के आप यार क्या डिफेंड कर रहे हो यार शाहिद भाई? सर आप जो बोल रहे हैं ना, ठीक है मैं लॉजिकली मानता हूँ सर, बॉडी आप फॉर एग्जांपल, मैं आप मतलब इसको अलग तरीके से मत लीजिए, आप अगर ज्यादा पानी भी पिएंगे ना, आपका यूरिन है ना व्हाइट कलर आएगा, व्हाइटिश। अगर आप अपने अरे बॉडी में ज्यादा कम पानी पानी पीने पिएंगे ना से ना यार, ज्यादा पानी पीने से ना तो मेरे येलोइश भाई, ये उससे ये आएगा, तो कैसे स्मेल उससे भी ये होता है सर बॉडी। तो हाँ जी बोलिए। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मोहम्मद साहब ज्यादा पानी पीते थे, इसकी वजह से उनके पेशाब मुबारक में जो है वो स्मेल नहीं आती थी, या वो जो है वो पीने के लायक था, ऐसा कह रहे हो शाहिद भाई? हो सकता है सर ही वाज स्पेशल पर्सन, वैसे भी हो सकता है, किसको अभी पता ना, आपने क्या आपने बोला जाके वो देखा है। स्पेशल नहीं थे, जहर के मामले में आपने बोला वो चल स्पेशल नहीं पर्सन थे? बोला सर, मैंने स्पेशल पर्सन बोला, आई एम नॉट टेलिंग स्पेशल गॉड अच्छा और समथिंग, आपने स्पेशल ये बोला पर्सन, पर्सन मतलब कि इंसान। अगर पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन अलग हो जाएगा, पर आपने ये मेडिटेशन कहा था, तो आप ये हाँ फिक्स कर सर, दीजिए कि मेडिटेशन से हुआ कि ज्यादा पानी पीने से हुआ? सर मेडिटेशन से ही हो बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है, और उससे ना आप जो भी खाते हो तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का उसको अच्छे से मेंटेन करके इम्प्योरिटीज ज्यादा ये नहीं करता। मेडिटेशन से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, ये पहली बार सुन रहा हाँ हूं मैं। होता। हाँ सर वही तो सर, आप है ना बस थोड़ा तो मतलब इतने आप भी सारे है ना लोग जिम गूगल पे। में मेहनत क्यों कर रहे हैं? सबको बोल रहे थे कि सब चटाई बिछा के मेडिटेशन करते हैं सब। हाँ सर करते हैं, मॉर्निंग थोड़े थोड़े वक्त के लिए वो करके भी जिम जाते हैं, अब उनके उनके बॉडी के हिसाब से वो करते हैं। अच्छा, कौन सी कंट्री है ये एक बताइए, मैं भी जाके आऊँ क्या आता हूँ? हर जगह कर लीजिए सर, आपको क्या है जी, एक कंट्री मिनट जाने वेट। की अच्छा जरूरत नहीं है। ये आप भी कुछ भाई भाई थोड़े भाई दिन भाई, करके रुको देखिए, आप भी अपने अंदर रुको, डिफरेंस। ये मेडिटेशन की रुको बात कर रुको रहे साहिल भाई? साहिल भाई योगा और मेडिटेशन इन लोगों ने हराम कर रखी है, सर, मैं उन्हें नहीं योगा जाने ही नहीं बोल दो, रहा वो हूँ, जाने दो, बैठ के अरे वो जाने दो, आप रुको, अरे जी, अरे रुको यार, रुको रुको मैंने रुको एग्जांपल के रुको, लिए बोला आपको, आपका ठीक है, नहीं, हम आपकी मेरे को वर्ड इंजीनियरिंग, नहीं आ आपका रहा था। जहन, अरे रुक ठीक जाओ ना ठीक भाई, थोड़ा ब्रेक लो। आपकी इंजीनियरिंग, आपकी सोच, आपका सब कुछ मैंने जो है समझ लिया हूँ। ये संस्कृति जी कह रही हैं, साहिल जी वन ऑफ माय फ्रेंड वांट्स योर सजेशन, आई विल ईमेल यू अबाउट हिम, प्लीज चेक योर एफबी मैसेंजर, सी स्क्रीनशॉट्स विद ब्लू सर्कल, हेल्प हिम प्लीज। ठीक है, मैं बाद में चेक कर लूंगा। संस्कृति जी भाई इतना तो बस है, इस मौजू पे आपने बता दिया, लेकिन इसके बावजूद आप उसको पीना पसंद नहीं करेंगे, ये भी आपने कह दिया है, ठीक है। और पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं मैं भी बहुत पानी पीता हूँ वल्लाह, अब पुष्पेंद्र जी का भी पेशाब मुबारक जो है वो साफ सुथरा हो गया है, क्योंकि वो ज्यादा पानी पीते हैं। अच्छा हाँ ये जी बताइए जनाब, हाँ नहीं मुझे ये बताइए, अच्छा डेनवर जी कह रहा है आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट कंटिन्यूअस मेडिटेशन विल टर्न पेशाब इनटू शैंपेन। सर ये यही है ना, ये माइंडसेट है ना गलत है लोगों की। आप एक क्या जो चीज माइंडसेट को गलत बोलते हैं, है? मैंने सर मैं बोल रहा हूँ ना कि आप एक जगह बैठ के एज ए मेडिटेशन और अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे ना, तो आपकी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। शाहिद भाई
अच्छा शाहिद भाई, बहुत लॉजिकल। अब मुझे एक बात बताइए कि आप इस बात को भी अच्छा मानते हैं कि मोहम्मद साहब जो है वो 55 साल में या 54 साल में उन्होंने 9 साल की बच्ची से अम्बिस्तरी की इंटरकोर्स किया, इसको भी आप अच्छा मानते हो? ये भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके पास, आपकी इंजीनियरिंग के हिसाब से? सर इसका लॉजिकली बोल के नहीं, हाँ इस चीज पे कहीं डिस्प्यूट है, लेकिन मतलब लोग बोलते हैं डिस्प्यूट कि नहीं, आप उनके क्या जाने। समझते हो कि अच्छा अमल था? अच्छा अमल था मोहम्मद साहब का ये 54 साल में 9 साल की बच्ची को जो है वो, या फिर ऐसा कुछ था कि मोहम्मद साहब कुछ तरीके का मेडिटेशन करते थे तो वो 54 साल के नहीं बल्कि 13-14 साल के हो गए थे या 15-16 साल के हो गए थे, और आयशा जो है वो कुछ ऐसा उन्होंने मेडिटेशन किया था कि वो 9 साल में जो है वो 18 साल की हो गई थी। मतलब क्या इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? सर पुराने लोग तो बहुत बचपन में ही शादी कर लेते थे। नहीं, बचपन में शादी जो करते थे पुराने लोग वो बच्चे बच्चे की होती थी ना, 9 साल की सर बच्ची, तो बच 12 साल का लड़का। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो अच्छे से समझो जी पहले। सर, 9 साल की पहले बहुत बच्ची सारे है जो जी, जमींदार लोग भी है ना, ऐसे होता था, क्या होता था, मतलब बूढ़े लोग बच्चियों एज से होने के शादी बाद। करते थे? हाँ सर, 40-45 एज के हाँ, वो 6 साल बंदे की बच्ची से हमने करते थे। सर बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बताओ बताओ इंसिडेंट है। बताओ 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 बताओ। जैसे और दूसरी बात क्या, मुझे सुन लो सुन लो, दो चीज सुनो, दो चीज सुनो, दो चीज सुनो, एक तो इसके आप मतलब प्रूफ ऐसा हुआ है। देखिएगा यार, सुन लो ना पहले यार, सुन लो पहले मेरी बात अच्छे से सुनो, बिना ब्रेक के मत बोला करो। मैं ये कह रहा हूं कि दो चीज आपको बतानी है, एक तो ये कि पहले के लोग जो है वो बूढ़े लोग छोटी बच्चियों से, 6 साल की बच्चियों से या 7 साल की बच्चियों से शादी करते थे, इसका प्रूफ आपको देना है। दूसरा, अगर कोई करता भी था तो क्या आप उसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? ये दो चीज का जवाब दो। सर इस जमाने में तो गलत समझता हूँ, टू बी फ्रैंक। अच्छा, मोहम्मद साहब जो है, नहीं पहले तो आपको, पहले तो आपको प्रूफ देना है कि 55 साल के या 50 साल के या 40 साल के लोग जो सर मैंने है वो छह हाँ साल की फोर्टी बच्ची फोर्टी से, फाइव बोला। यार हाँ जी ठीक जी जी है बोल 45 ना, लेकिन 45 और 55 में डिफरेंस है ना भाई, तो कैसे मैच करो? फिर भी 45 भी छह फिर साल की हाँ बच्ची से एग्जाम्प्टेड। शादी करता था, ये आप प्रूफ दो। दूसरा, मोहम्मद साहब जो है वो एक नबी है, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जी है, इस बात को आप गौर करो। मोहम्मद साहब एक नबी है, एक एग्जाम्पल है कयामत तक के लिए। ऐसा इंसान जो नबी है, रसूल है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? जी सर, जहां तक मैंने पढ़ा है उन्होंने कहा था आई एम ए नॉर्मल पर्सन हु ये इज भाई, सेलेक्टेड बाय द गॉड। नॉर्मल पर्सन बोल बोल के तुम उनकी सब चीजों अरे को जो लेकिन है कहां ना पर बोला था, चलो वो उसका रेफरेंस दे दो, उसका रेफरेंस दे दो कहां पर नहीं, बोला। सर उससे मुझे क्या नहीं फर्क पड़ता है, वो नॉर्मल, सुन लो सुन लो, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि जी वो नॉर्मल थे या अबनॉर्मल थे, ठीक है? प्रॉब्लम, सवाल ये नहीं है, सवाल आप तो एक तो ये प्रूफ देंगे कि पहले किसी जमाने में कोई जो है वो बूढ़े जो है या 45-50 ईयर्स के वो बच्चियों से शादी करते थे। दूसरा, मोहम्मद साहब जो है एक नबी है, एक नॉर्मल इंसान नहीं है, उनको ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए था जो किसी भी जमाने में उन पे सवाल उठ सके, क्योंकि वो कयामत तक के लिए नबी रसूल है, कयामत तक के लिए एक नमूना है। प्लीज बताइए मुझे कि आप इसको कैसे अच्छा समझते हो, और प्रूफ भी दीजिए प्लीज। सर वही तो बोला ना मैंने कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, तो प्रूफ प्रूफ सर आप गूगल कीजिए ना, मुझे क्या पता था कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे यार, मैं मतलब प्रिपेयर आप होके कर लो, आऊँ आपके पास ऐसा। सिस्टम नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है? सर मैं एक्चुअली मोबाइल पे हूँ, वैसे तो मैं सो गया था, कहां से आपने मोबाइल ये पे हूँ पढ़ा तो था? सिस्टम। जी कहां आपने ये पढ़ा था क्या बोल के सर कि बूढ़े लोग जो है वो बच्चियों से शादी करते थे? हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे हो गए हैं, पर हाँ हाँ उतना है, वो 55 उसके जितना लिए बोल रहे हैं। यार, जी उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना।
सर वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, आप गूगल कर लो ना, आपको मिल जाएगा कि नहीं मिला, मैंने गूगल किया नहीं मिला मुझे, ये देखिए किधर भी जी नहीं मिल रहा है मुझे, जी कैसे आप होता था। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, पता लगेगा हाँ सबको। चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ओ लाला जी भी आ गए हैं, लाला जी इस्तकबाल है आपका। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कहा जरा बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा हम भी गपशप लगा लें हो भाई से। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई हमारे शाहिद भाई, इंजीनियर है और बड़ा जबरदस्त इनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जी भाई ये लीजिए, ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा स्क्रीन शेयर से पहले बिल्कुल जरा थोड़ी सी मैं, अगर इजाजत हो तो गपशप लगा लूं इनसे, अगर ये बुरा ना मनाए। बिल्कुल बिल्कुल, यार भाई ये हम जो भी नहीं आपने भी मनाएंगे बुरा। अभी आपने जो ये बात की थी कि पुराने जमाने के लोग करते थे या होता था, लेट्स से कि होता था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं इसको, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट होता था, लेकिन मोहम्मद साहब ने तो मिसाल बनना नहीं था। जी हेलो जी, जी मैंने कहा मोहम्मद साहब ने तो मिसाल नहीं बनना था सारे जहान के लिए। तो मिसाल है ही ना सर। ओके सो मिसाल है, तो उन्होंने क्या मिसाल कायम की है कि आप किसी भी उम्र में एक छोटी बच्ची से सेक्स कर सकते हो शादी करके। सर पुराने जमाने में होता था ऐसे, वही तो बोल सर रहा मान हूं। लिया ना सर, पुराने जमाने में बच्चियों को भी तो जिंदा दफन किया जाता था ना, मोहम्मद साहब ने रोका ना, राइट जी रोका, या नहीं जी रोका। रोका, चलिए नहीं रोका। रोका, बेहतरीन। तो अब जब उस चीज को रोका, मोहम्मद साहब के जमाने में शराब भी पी जाती थी, उन्होंने उससे भी रोका सबको, जी शराब की नहरें बह गई थी ना मदीना में, मदीना की गलियों में, जब लोगों ने जी अपने शराब फेंकनी शुरू की थी तो मदीना की गलियों में नहरें बह गई थी, राइट। जी मुझे नहीं पता, आप नहीं जानते हो तो ये वो ठीक। बातें हैं ना जो मौलाना बोलते हैं ना मस्जिदों के अंदर, इसकी मैं कोई रेफरेंसेस नहीं दे रहा आपको, मौलाना बोलते हैं, जी वही मैंने जी बोल दिया। अच्छा तो जब यहाँ पे ये बात आई कि आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी मत करो क्योंकि सेक्स की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स तबाह हो सकते हैं और वो मर सकती हैं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, और इस किस्म के बहुत सारे मसले आ सकते हैं, और प्लस जब बच्चा पैदा होता है इतनी छोटी बच्ची में तो उसका जो पेल्वस एरिया है वो 10 इंच तक एक्सपैंड ही नहीं कर सकता, तो बच्चे को जन्म करते वक्त वो मर सकती है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, ऐसी हरकत मत की जाए, लिहाजा मैं खुद भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। 53 साल का मैं हो गया हूँ और मेरा अपना प्राइवेट पार्ट भी इस वक्त काफी थिक होगा, तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं कहा और क्यों नहीं किया जबकि उनको तो एग्जाम्पल बनना था फॉर द होल वर्ल्ड। हेलो जी सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पुराने जमाने सर मैंने उसी में का तो था जवाब ऐसा दिया ना रिवाज सर, वही सर। तो मैंने वैसे जवाब बहुत सारे दिया ना। चीज भी सर, बहुत सारे चीज भी उन्होंने जो बोला अभी तक वो फॉलो नहीं हुआ है। वो सर मसला नहीं है, वो बात नहीं है, बात ये है अगर वो आए थे दुनिया में गंदगी खत्म करने के लिए, सर गलाजत और उन बुरे ठीक कामों है सर, खत्म मान करने के लिया, लिए, ठीक है मान तो लिया, फिर लेकिन मान क्यों लिया ऐसे सर, क्यों नहीं रोका, लेकिन फिर ऐसे क्यों नहीं रोका। लेकिन सर मान लिया, लेकिन उन वैसे तो नहीं हुआ कैसे ना। तो नहीं हुआ, हजरत आयशा जी से उन्होंने तो एक बेबी भी दिया था हजरत फातिमा जी को, एंड हजरत फातिमा जी को उनका बेबी। भी, एक्सक्यूज मी सॉरी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, क्या सॉरी, क्या क्या हाँ बात कर रहे हैं, ये क्या बात है, फातिमा जी को सॉरी, बेबी दिया, मतलब एक बेबी हुआ था शायद। बेबी हुआ था, किससे हुआ था। देखिए आयशा जी से तो बेबी नहीं हुआ ना, तो या तो हम ये कहेंगे कि आयशा जी बांझ थी या मोहम्मद साहब बांझ थे, दोनों में से एक तो बांझ थे ना, राइट। सॉरी, मतलब मैंने जहां तक पढ़ा है, मतलब फातिमा, या हजरत फातिमा जी का भी सर फातिमा जी निकाह उनकी, सर निकाह बहुत जल्दी हो गया था।
सर देखें, वो जो आपने पढ़ा था ना वो हम बाद में देखेंगे। मैं आपको हदीसें दिखाऊंगा जहाँ पे मोहम्मद साहब ने मना किया था तो कि जनाब फातिमा अभी छोटी है। सर लेकिन चाहे इसको छोड़ इंसान दें अभी। जितना भी, हाँ ठीक है, चाहे इंसान जितना भी आपके मुताबिक अगर वो इतना उतने खराब भी थे तो अपने बेटी के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो नहीं तो उस किया ना टाइम उन्होंने, पे ये नहीं रिवाज किया ना नॉर्मल सर, सर, नहीं किया ना। मैंने मैंने मतलब पढ़ा है कहीं, मतलब बहुत यंग एज में शादी हुई थी सर कितनी यंग एज डॉटर में शादी हुई थी? के, आई थिंक 11 12 में, ऐसा मैंने पढ़ा है, बस इलेवन ट्वेल्व में मैं सर श्योर कहाँ नहीं पढ़ा हूँ। था? ऐसा करें आप मुझे जरा हदीस देते हैं कोई जिसमें लिखा हो कि 11-12 साल की उम्र में उनकी सर शादी हुई। वही तो बोल रहा हूँ ना, आई एम नॉट, मेरे को पता नहीं कि आप ओके ये सब पूछेंगे, सर देखें देखें, मैं मैं आपको बता देता बस हूँ। ठीक है, कितनी कितनी अच्छी जी बात है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम आपको जी ये सारी चीजें अभी अभी दिखा दें, तो क्या ख्याल है? जी ठीक है, दिखा दीजिए। ओके, ये देखिए सर, ये स्क्रीन पे हदीस है। चूंकि आप उर्दू बोलते हैं तो मैं आपसे उर्दू वाली हदीस शेयर करने लगा हूँ। आप इसको सर्च कर सकते हैं बाकी किसी भी जगह पे जहां पे आप सर्च करना चाहें। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको। हम ये देखते हैं जनाब, ये सुनन नसाई की हदीस है। ये कहती है कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा रजी अल्लाह अनहा से निकाह के लिए पैगाम दिया, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया वो छोटी है। क्या है जी सर? वो छोटी छोटी हैं। है फिर अली रजी अल्लाह ने फातिमा रजी अल्लाह से अपने लिए निकाह का पैगाम दिया, तो आपने इनसे निकाह कर दिया। सर अली जो थे वो भी छोटे थे, जी फातिमा भी छोटी थी, शादी कर दी गई। जी लेकिन जब अबू जी बकर की बेटी मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में ली, उन्होंने निकाह की इजाजत मांगी, तो आपने कहा नहीं वो छोटी है। तो उम्र के लिए छोटी थी, अबू बकर के लिए छोटी थी, लेकिन अली के लिए छोटी नहीं थी। तो यहां से ये बात तो साबित हो गई कि उस जमाने में अगर जरा कम उम्र की लड़कियों की शादी होती भी थी तो तकरीबन उसी उम्र के लोगों के साथ होती थी, 53 साल के बाबों के साथ नहीं होती थी सर। ये तो मोहम्मद साहब ने अपने वक्त में ये चीज साबित कर दी थी। मैं तो नहीं बता रहा ना सर, आपकी अपनी हदीसें बता रही है ना। सर, वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, मतलब दूसरे रिलीजन से अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं दूंगा। चले एक सेकेंड, एक एक बात करते हैं। दूसरे हाँ रिलीजन जी में सारे के सारे जी बाकी जितने भी रिलीजन है ना, वो जी छोटी से छोटी उम्र की शादी करवा देते थे, और वहां पे सारे के सारे लोग छोटी उम्र की बच्चियों का रेप करते थे, लट से सब करते थे, सबके सब बुरे थे। तो फिर सर मोहम्मद साहब भी बुरे हो गए ना, सेम कहें उनको भी। मैंने कह दिया कि सारे के सारे बुरे थे, सारे के सारे जलील ख्वार और कुत्ते थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एथियस हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, चाहे वो बुद्ध प्रस्त हो, चाहे वो आग प्रस्त हो। अब आप इसमें मोहम्मद साहब को भी डालें क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया था। सर, मैं फिर वही बोलना चाह रहा हूँ, उस जमाने में ये नॉर्मल था शायद तो सर मैं वही तो कह रहा हूं कि मोहम्मद जी, साहब अगर आए थे, पर उन्होंने उसी दूसरे नॉर्मल रिलीजन पीस में पर। भी ये नॉर्मल ही था। सर बात मैं ये कर ही नहीं रहा नॉर्मल, मैंने तो आपको कह दिया। मैं अगर यहाँ पे अगर बाकी सारे रिलीजन को आप एग्जांपल पेश भी कर दें, मैं सारी रिलीजन को सर बुरा कह ये देता हूँ, अच्छा, मुझे ये आप बताइए, मोहम्मद साहब को भी बुरा कहेंगे यहाँ पे? चाइल्ड प्लीज एक सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट दैट चाइल्ड ब्रदर, एक सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट फर्स्ट। मैं यहाँ पे सारे रिलीजन जो जो ऐसा कर रहे थे उन सबको बुरा कह रहा हूँ, आप मोहम्मद साहब को भी कहते हैं? हाँ या ना में पहले सर जवाब दे मैं दें, फिर क्यों आगे बोलूं चलते हैं। सर, वो आपकी सोच है ना, उस जमाने से देखा जाए तो बुरा नहीं है, इस अच्छा जमाने इसका में यही बुरा है बात, वो। तो इसका मतलब है कि आप दूसरे मजहब को बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी दूसरे मजहब को बीच में लाएंगे तो मैं तो बुरा कह रहा हूं सबको, आप नहीं कह रहे मोहम्मद साहब को, दैट्स द प्रॉब्लम। इस वजह से आप किसी दूसरे मजहब को ला नहीं सकते। सर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, मैंने बोला एग्जांपल फॉर अदर रिलीजन में इंक्लूड कर सकता हूँ क्या ऐसे एग्जांपल, बताऊंगा आपको कि सर मैं वही कह रहा पहले हूं भी ना ऐसे छोटे छोटे बच्चों की शादी होती थी बोल सर, के, वही मैं बता यही रहा कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, 10 दफा जो भी ऐसा कर रहा था वो गलत कर रहा था। क्या आप जी। मुझे सेम लेवल सर के वो ऊपर बोलेंगे? हाँ सर सर एक वो सेकंड रुक जाए सर सर, सर सर मेरे हजरत को एक तो सेकंड, एक्सप्लेन करने थी पहले मुझे पूरी बात जी, तो कर लेने, बोल फिर एक्सप्लेन भी कीजिएगा ना। जी क्या आप सेम लेवल के ऊपर कहेंगे कि हाँ अगर वो बुरे थे तो मोहम्मद साहब भी बुरे थे? जी अब मैं बोलूं सर, ये मतलब ये चाइल्ड मैरिज बुरा है, कब से निकला है, मतलब किस सेंचुरी से ये हुआ कि हाँ इस एज तक इस पैटर्न का कब सेट हुआ हर कि इस सेंचुरी में, छोटी हर हर सेंचुरी, सेंचुरी में। मतलब फॉर देखिए एग्जांपल। सर, आज से जितना मर्जी आप पीछे चले जाएं दुनिया की हिस्ट्री में,
चाइल्ड जी मैरिज जैसे जैसे विद, लिसन 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 लिसन, पहले सोच, पहले सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप प्रॉपर रेफ्यूटेशन नहीं दे सकेंगे, ठीक जी है? जी 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 ओके, जी चाइल्ड मैरिजेस जो पुराने जमाने में होती थी ना, वो जी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, यानी कि लड़का भी चाइल्ड, लड़की भी चाइल्ड। 16-17 साल के लड़के की 10-12 साल की लड़की से, 18 साल के लड़के की 14 साल की लड़की से, 9 साल की लड़की है तो 10-12 साल का लड़का है। चाइल्ड मैरिजेस का मतलब होता है दो चिल्ड्रन की आपस में मैरिज, ये होती जी थी, कोई मसला नहीं, होती थी। अगर आज भी हो जाएगी ना तो इसके ऊपर बहुत बड़ी उंगली नहीं उठेगी। अब जी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब की, वो 53 साल के थे, 53 years of age। सर आपको पता है, जी जब आप बच्चे होते हैं तो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, वो भी छोटा होता है। जब आप जी आहिस्ता आहिस्ता बड़े सर होते जाते हैं ना, आप आपका सर प्राइवेट आप पार्ट बड़ा होता जाता है, ठीक है? और फिर जब आप बच्चे होते हैं ना, लड़का भी अगर बच्चा होता है तो वो भी अभी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता, जी ठीक है? तो यही चीज सर आप अगर देखें कि जब आप बड़े होते जाते हैं, 20-22 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट में एक वो आ जाती है। ये एक सिंपल साइंस है, आपको भी पता है, आप मर्द हैं, अगर आप 20-25 साल से ऊपर चले गए तो आपको पता लग गया होगा कि उसके अंदर जी भी एक वक्त के साथ साथ चेंज आता है, साइज में, गिर्थ में, एंड ऑल दैट, राइट? जी तो भाई नाउ द प्रॉब्लम इज हियर कि आपके मोहम्मद साहब जो कि रहमत लिल आलमीन बन के आए, अगर वो बुत तुड़वा सकते थे, शराबें फिकवा सकते थे, ठीक है? जी शराब में शराब शराब ज्यादा बुरा काम है कि एक बच्ची की जिंदगी तबाह करना ज्यादा बुरा काम है? शराबें फिकवा दी, बुत तुड़वा दिए, लोगों के साथ कत्लो कताल किया, लड़ाइयां की, किस बात के ऊपर? अल्लाह की परस्तिश करो उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन बच्ची बच्चियां जिंदा ना दफना हो, ठीक है? लेकिन एक बच्ची को सारी उम्र रेप करके रखने को उन्होंने मना नहीं किया। आप उसे शादी कहेंगे, मैं उसे रेप कहूंगा। ये अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है देखने की, और तो कुछ नहीं है। हाँ वही सर आप उसे क्या आपने शादी अपनी कह लो? सोच है हाँ, पर्सपेक्टिव है ना।